क्या आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं जहां हम कहते हैं क्या डॉक्टर क्या इंजीनियर सब बेरोजगार हैं, क्या बस क्या ट्रेन हर जगह भीड़ है, क्या आटा क्या चावल सब कुछ महंगा है, क्या डॉक्टर क्या मरीज सबको मरना है, क्या दिल्ली क्या मुंबई हर जगह भीड़ है, या क्या दिल्ली क्या मुंबई हर जगह पॉल्यूशन है, क्या मर्द क्या औरत सब फैशन करते हैं, क्या अमीर क्या गरीब सब दुखी हैं या सब परेशान हैं, क्या नेता क्या अभिनेता सब बेईमान हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े सब लापरवाह हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को देखें कैसे ट्रांसलेट करना है। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे वेदर के साथ नाउन, उसके बाद आप और के साथ नाउन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे आर प्लस वर्ब। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। क्या अमीर क्या गरीब सबको मरना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेदर द पुअर आर द रिच ऑल आर टू डाई। यानी क्या अमीर क्या गरीब सबको मरना है, क्या घी क्या तेल सब कुछ महंगा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेदर घी आर ऑयल एवरीथिंग इज कॉस्टली। यानी क्या घी या क्या तेल सब कुछ महंगा है, क्या डॉक्टर्स क्या इंजीनियर्स सब बेरोजगार हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेदर डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स ऑल आर जॉबलेस। यानी क्या डॉक्टर्स क्या इंजीनियर्स सब लोग बेरोजगार हैं, क्या नेता क्या अभिनेता सब बेईमान हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेदर लीडर्स आर एक्टर्स ऑल आर डिसऑनेस्ट। यानी क्या नेता या क्या अभिनेता सब बेईमान हैं। अगर आपको कहना हो क्या बच्चे क्या बूढ़े सब फिल्म देखते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेदर चिल्ड्रन आर ओल्ड पीपल ऑल वॉच मूवी। यानी क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी फिल्म देखते हैं, क्या दूध क्या जूस सब कुछ मिलावटी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेदर मिल्क आर जूस एवरीथिंग इज अडल्ट्रेटेड। यानी क्या दूध या क्या जूस सब कुछ मिलावटी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे वेदर नाउन, उसके बाद आप और के साथ नाउन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे ऑल या एवरीथिंग, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। हो सकता है कि आप सोचे कब हमें ऑल का इस्तेमाल करना है और कब हमें एवरीथिंग का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा जहाँ आप कहना चाहें सब, वहाँ आप ऑल का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ आपको कहना हो सब कुछ, वहाँ आप एवरीथिंग का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको एक और खास बात बता दूं, अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो उसे आप प्लूरल में लिखेंगे, यानी उसे आप बहुवचन में लिखेंगे, उसे आप एकवचन यानी सिंगुलर में ना लिखें। जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, जो नाउन काउंटेबल है उसे मैंने प्लूरल में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।